हाँ बच्चों, आगे का आप लोग देखेंगे। माई फादर सेड दैट इज़ अ बिग थाट टू कम फ्राम सो स्मॉल अ हेड, यानी छोटे से सिर से इतने बड़े विचार आए ना, दैट इज़ अ बिग थाट, ये बहुत बड़ा विचार था, केम फ्राम सो स्मॉल अ हेड, यानी छोटे से सिर से, यानी कि हम बच्चों से इतने बड़े विचार आना बहुत बड़ी बात थी। एंड अ वाइस वन, और उनमें से एक बुद्धिमत्ता पूर्वक थी। निक फ्लूस्ट विथ जॉय, निक फ्लूस्ट विथ जॉय मतलब खुशी से सराबोर था, फ्लूस्ट विथ जॉय मतलब खुशी से सराबोर होना। देन ही पुट अ हैंड ऑन माई शोल्जर, तब वह पुट मैंने रखा अपने हाथ को, ऑन माई शोल्जर मेरी बाहों पर, एंड सेड और कहा, जो थॉट ऑफ इट टू, है ना, यानी कि जो जो सोच रहा है उसका भी है। नो आई डिड नॉट, मैं नहीं करूँगा, आई सेड मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, बट माई प्रेजेंट विल मेक अप फॉर इट, लेकिन मेरा उपहार क्या करेगा, इसकी भरपाई कर देगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी इंजॉय द गेम ऑफ सेक्रेसी विथ माई मदर, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए वी इंजॉय हम खुशियाँ मनाए, किसका, द गेम ऑफ सेक्रेसी, गेम ऑफ सेक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता का खेल, किसके साथ, विथ माई मदर, तो मैंने या हमने कुछ दिनों माँ के साथ गोपनीयता के खेल का आनंद लिया। और शाइनिंग लुक केम इन टू हर फेस, एक चमक उनके चेहरे पे आई, एज सी वर्क, जैसे वह काम करती थी, प्रिटेंडिंग नॉट टू नो, और ऐसा दिखावा करती, प्रिटेंडिंग मतलब होता है कि दिखावा करना या वास्तविकता जैसा दिखाना, मतलब छुपाना, यानी बच्चों के सामने खुशी जाहिर करना कि नॉट टू नो, एंड नॉट टू नो कि वो ना जान पाए। एंड सी स्माइल आफ्टेन, वह हमेशा मुस्कुराती थी। द एयर वाज फुल ऑफ लव, हवा क्या थी, प्रेम से भरी, उस समय जो हवा थी प्रेम से भरी हुई थी। निक एंड आई डिस्कस्ड व्हाट टू बाय, निक और मैं बहस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट टू बाय, क्या ख़रीदा जाए। वी कुड नॉट एग्री ऑन एनीथिंग, वी कुड नॉट, हम सहमत नहीं हो सके किसी भी चीज़ पे। लेट्स नॉट टेल ईच अदर व्हाट वी आर गेटिंग, लेट्स नॉट टेल ईच अदर, सैड निक एट लास्ट, अंत में निक ने कहा कि हमें किसी को, नॉट टेल ईच अदर, किसी को नहीं बताना है कि व्हाट वी आर गेटिंग, हम क्या करने जा रहे हैं। बट वी माइट बाई द सेम थिंग्स आई आर्ग्यू, बट वी माइट, हमने खरीदना चाहिए, खरीदना बाई, खरीदना द सेम थिंग्स, एक ही चीज़, आई आर्ग्यू, हमने तर्क दिया, बहस किया। नो वी वांट, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, सैड निक ने कहा। आई हैव मोर मनी, मोर मनी देन यू, आई हैव मोर मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, किससे, यू तुमसे, तो मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं। आई हैव मोर मनी देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थाट, यानी कि एक बहुत बड़ी डील होने के बाद, समझौता होने के बाद, किसका, आप थाट विचारों के बाद, आई बॉट, मैंने ख़रीदा, अ काम, एक कंघी को, डेकोरेट विथ लिटिल शाइनी टोन्स दैट कुड बी मिस्टेकन फॉर डायमंड, आई कूड, आई बॉट, मैंने खरीदा, काम खरीदा, और काम कैसा था, यानी कंघी खरीदा जो डेकोरेट था, सजा हुआ था, विथ लिटिल शाइनी स्टोन, जो छोटे छोटे चमकदार पत्थरों से उस पर जड़े हुए थे, वैसे हम लोगों ने कंघी खरीदा, दैट कुड बी मिस्टेकन फॉर, जो डायमंड के लिए, यानी हीरे के लिए गलती हो सकती है। निक लाइक माई गिफ्ट वेरी मच, निक ने मेरे उपहार को बहुत पसंद किया, बट वुड नॉट टेल मी अबाउट हिज, वुड नॉट, नहीं कर सका, टेल मी यानी नहीं बता सका, अबाउट हिज, लेकिन इसके बारे में नहीं बता सका। वी विल गिव द गिफ्ट एट अ सर्टेन मोमेंट, आई हैव पिक्ड, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, वी विल गिव द गिफ्ट एट अ सर्टेन मोमेंट, आई हैव पिक्ड, मैंने, आई हैव पिक्ड, मैंने जो लिया है वह, उसको क्या, वी विल गिव द गिफ्ट, हम उपहार को देंगे, एट अ सर्टेन मोमेंट, अचानक से एक पल पे हम उनको गिफ्ट को दे देंगे। व्हाट मोमेंट, कैसा मोमेंट, आई आस्क मिस्टिफाइड, रहस्य से उत्सुक होते हुए मैंने पूछा, व्हाट मोमेंट, कैसा पल होगा। आई कांट टेल, मैं नहीं बता सकता, बिकॉज इट हैज समथिंग टू डू विथ माई गिफ्ट, इट हैज समथिंग, यह कुछ है, किसके साथ, इट हैज़ समथिंग टू डू विथ माई गिफ्ट, मतलब मुझे अपने उपहार के साथ कुछ करना है। एंड डोंट आस्क मी अगेन, और दोबारा मुझसे मत पूछो, वाट इट इज़, यह क्या है। तो बच्चों यहाँ तक आप रिवाइजन करेंगे और दोहराएंगे, और इसमें की जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको पूछेंगे, जैसे यहाँ प्रिटेंडिंग दिया है, फ्लूस्ट विथ जॉय दिया है, और
सारे हैं जो आप देखेंगे वैसे मीनिंग को आप दोहराएंगे और नोट कर लेंगे और इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे और इसको लर्न करिएगा। थैंक यू।